शुरू करता हूँ यीशु मसीह के बरकत नाम से, जंदों को आंखें और मुर्दों को जिंदा करने के लिए रहते हैं। लियाकत मुनव्वर सरोया सदर मबानी मास प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी। आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो मसीहियों को मुकम्मल तौर पे दीवार से लगाने की कोशिश कर रही है। आप देखें, अब सानिया जड़ा वाला जो हुआ सबसे बड़ा सानिया पाकिस्तान की तारीख में, उसमें हमारे चर्चे जलाए गए, हमारी बाइबल मुकद्दस जलाई गई, हमारे स्लीपें तोड़ी गई, वहाँ पे लोगों के घर जलाए गए। तो ये सरासर धरती है। और इसके साथ साथ हमारी जो हम हमेशा से हमारी आवाज उठती रही है पाकिस्तान मसीह मिलत पार्टी की और हमारी तंजीम मास की, कि 295C का गलत इस्तेमाल हो रहा है, खुदा के लिए इस गलत इस्तेमाल को बंद किया जाए और हमारे जो बेगुनाह लोग मारे जाते हैं इसके लिए हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, कभी जो पादरी विक्की का जो मसला हुआ जिसको गोली लगी, पुलिस ने FIR तब्दील कर दी और उसके साथ साथ पादरी विक्की को उसी केस में उलझा दिया गया। और जड़ावाला के वाकया में भी, जड़ावाला के जो मुल्जिम है उनको अभी तक कोई सजा नहीं दी गई। तो हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और रियासत पाकिस्तान से कहते हैं कि आप अदल के निज़ाम को ठीक करें, आप पुलिस को ठीक करें, आप जो है जितने भी यहाँ पे इदारे इख्तियार हैं, जिन इख्तियार वाले लोग हैं वो अपने आप को ठीक करके मसीहियों को जो है वो इंसाफ फराहम करें। क्योंकि पादरी विक्की अगर उसने बाहर ही जाना होता तो वो सिर्फ जो लिखा हुआ था उसकी दीवार पे वही काफी था, उसका तो पासपोर्ट तक नहीं बना। तो आप, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये जो मसीहों को दीवार से लगाने की साजिश है ये बंद कर दी जाए। हमारी शहादतें दी हैं हमने कि 295 BC का जो है गलत इस्तेमाल होता है उसको बंद किया जाए। आप देखें कराची में असलम मार्टन शहीद 2002 में, उसके बाद बिशप जॉन जोसेफ शहीद, शहबाज भट्टी शहीद और लखमन गिरफ जो हमारे रहनुमा है वो शहीद कर दिए गए उसी कि वो जो है वो 295 BC के गलत इस्तेमाल के लिए आवाज उठाते। आज मैं ये कहता हूँ कि आप जो है अपने इन मामला को दुरुस्त करें। तो मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, सदर पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मुतालबा करता हूँ कि खुदा के लिए मसीहों को इंसाफ फराहम किया जाए, चाहे वो जड़ावाला का वाकया हो, चाहे वो पादरी विक्की का मामला हो। और जो एक बंदा पिछले दिनों दो दिन चार दिन पहले उन्होंने बाइबल मुकद्दस की जरूरत थी उसमें सिर्फ 298 लगाई गई है, वो भी सरासर जाती है। क्योंकि देखें जो भी नबियों को तहीन करता है उसको जो है वो सजाए मौत होनी चाहिए। अगर 295 BC अगर किसी तहीन करता है तो उसको 295 BC के तहत मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। लेकिन जो बाइबल की बेरूती करता है, जो मसीह की बेरूती करता है उसको भी सजाए मौत होनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये फिर एक दफा अपने अरबाब इख्तियार से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, सदर पाकिस्तान से, ज़ियादन पाकिस्तान से ये कहता हूँ कि जड़ावाला के मामले में, पादरी विक्की के मामले में मसीहियों का इंसाफ दीजिए। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। अफवाज पाकिस्तान।